हम बनाने वाले हैं चटपटा भेलपुरी। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पैकेट लिए हैं इस तरह सा भेलपुरी रेडी करने के लिए। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे एक पैकेट लिया, इसके अंदर में सॉस और इसके साथ में सेव वगैरह पैकेट आता है। तो चटपटा भेलपुरी बनाने के लिए हम एक बर्तन के सहारे से बनाएंगे। तो उसका प्राइस दिखा देते हैं दोस्तों आपको, 60 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही टेस्टी है। हमने यहाँ पे 4 कटे मिर्च और 1 प्याज और धनिया पत्ता चॉप करके रख लिए हैं। तो एक बड़े साइज का बोल ले लेंगे, इसके ऊपर में हम प्याज डाल लेंगे और कटे हुए मिर्च भी डाल लेंगे और ब्लैक सॉल्ट 1/2 चम्मच डाल लेंगे। दोस्तों जो पैकेट आता है उसमें नमक सब मिसा हुआ होता है, तो प्याज एक्स्ट्रा दिए हैं हमने, तो एक्स्ट्रा की वजह से हम थोड़ा सा नमक डाल दिए, 1/2 चम्मच उल्टी तरफ से हमने यहाँ पे कर लिया। और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ता दे दिए है, इसको भी 1/2 चम्मच की उल्टी तरफ से इस तरह से मिला लेते हैं। देखिए अब एक नींबू ले लिया है, इसका नींबू का रस डालेंगे। तो उसमें गोटा रस नहीं डालना है, हाफ रस डालना है। इसके अंदर में सॉस वगैरह भी दिया हुआ है इस पैकेट के अंदर में, तो ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी खट्टापन की। तो हम यहाँ पे 1/2 ही नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो इसको एक छोटे वाले बर्तन से बाहर निकालेंगे और पैकेट खोल के आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया से हमने इसका पैकेट खोल लिया है। भेलपुरी दोस्तों ये बहुत फेमस होता है यहाँ पे खाने के लिए, खास करके बरसात के मौसम में बोर होते हुए घर पे इस तरह का बना के आप खाइए, बहुत टेस्ट होता है। कैसा लगे कमेंट में हमें बताइएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका भेलपुरी बाहर निकाल लिया है, इसमें सॉस और सेव का पैकेट भी दिया था। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम यहाँ पे अपने घर में मूढ़ी था 2 कटोरी डाल लेंगे। दोस्तों इसका जो सॉस है इसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ही खट्टा हो जाता है। हमने फर्स्ट बनाया था तो हमने सेकेंड प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। आप भी जब भी इसका पूरा पैकेट लाते हो तो इसमें एक्स्ट्रा मूढ़ी आपके घर में हो तो डाल के खाइएगा, बहुत टेस्ट होता है, वरना बहुत ज़्यादा ही खट्टा हो जाता है जो खाने में मज़ा नहीं आता। तो हमने एक्स्ट्रा मूढ़ी डाल ली अपने घर से। और यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे है इमली और टमाटो सॉस मिसा हुआ है ये, और इसमें चिल्ली सॉस भी है, पैकेट है छोटा छोटा पाउच। तो इसके अंदर में दोस्तों सेव है, आपको काट के दे इसको हम ऊपर में डेकोरेट करके खाएंगे तो और ज्यादा टेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा धनिया पत्ते के साथ में यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए इसमें सॉस डालना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों ये इमली का सॉस है, आई थिंक इसमें टमाटो सॉस भी मिस है क्योंकि ये खटमिट लगता है, तो टमाटो का भी इसमें टेस्ट आ रहा है कि ये टमाटो सॉस और इमली सॉस मिसा हुआ है। तो इसको डालते ही संगे संग इसको मिला लेंगे कि अटक के ना रह जाए। तो इसको संगे संग हमने यहाँ पे मिला लिया, और यहाँ पे जो प्याज है सबको नींबू के रस में मिला के रखे थे उसे भी डाल लिए हैं, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और यहाँ पे जो चिली सॉस भी दिया था इसमें यहाँ पे उसे भी डाल लेंगे। दोस्तों ये बरसात के सीजन में इस तरह का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, आप भी कभी खाइएगा, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अभी तक हमारे चैनल समरिंग किचन को अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए हमारे सारे वीडियो देखने के लिए। आप यहाँ पे बिल्कुल देखिए प्रोसेसिंग रेडी हो चुका है भेलपुरी हमारा, तो इसे आपको हाथों में भी अच्छी तरह मिला लेंगे। दोस्तों ये हमारे कलकत्ते का फेमस है, जब हम घूमने गए थे तो वहाँ पे खाए थे, बहुत ही फेमस है कलकत्ते में भेलपुरी। तो आपको कटोरी में साफ करके अच्छी तरह से दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया से हमने बना लिए हैं भेलपुरी। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना जरूर, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को। बरसात के सीजन में बैठ के खाने का मजा लेंगे। देखिए यहाँ पे कटे हुए धनिया पत्ते डाल देंगे इसके ऊपर में, और सेव का पैकेट इसने दिया था यहाँ पे, तो सेव भी डाल देते हैं बढ़िया से। अब यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखिए चम्मच लगा लेंगे और खाने का मजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे